إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون محترم علماء کرام بنارس اور مضافات بنارس سے آئے ہوئے معزز سامعین پردہ نشین مائیں اور بہنیں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس رات میں اور اس محلے میں اپنے دین کی بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں اکٹھا فرما دیا ہے جبکہ اسی محلے میں بہت ساری ایسی مجلسیں ایسی نشستیں ایسے پروگرام آج کی رات میں ہوتے ہیں جو کم از کم ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا تو آپ لوگ اپنی قسمت پر ناز کیجئے اللہ رب العالمین کی اس توفیق پر اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو اس طرح کے بیکار کاموں سے نجات دے کر اپنے دین کی مجلس میں اکٹھا فرما دیا ہے اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو خوبصورت عنوان ہے آج کی اس کانفرنس کے لیے خیر امت کانفرنس ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو خیر امت کا جو لقب ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں شکر گزار ہوں مقامی جمعیت اہل حدیث لہتہ اور مسجد عبداللہ بن مسعود کے مصلیان کا بھی جنہوں نے بڑی جد و جہد بڑی کاوش اور بڑی محنت کے ساتھ
इस कॉन्फ्रेंस को मुरतब किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन उनके कामों में इखलास पैदा करे। और यह है कॉन्फ्रेंस अपनी नौईयत का एक तारीखी कॉन्फ्रेंस हो, और जो असल मकसद है इस तरह के दीनी इजलास दीनी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का, उस असल मकसद को पाने में हम लोग कामयाब हो जाएं। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, सबसे पहले हम लोग यहाँ जो हाजिर हुए हैं अपनी नियतों को टटोलें। आपने उलमाए किराम की ज़ुबानी यह हदीस सुनी होगी, इन्नमल आमालु बिन्नियात। दूर दराज से हम लोग आज के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हुए हैं। हम लोग क्यों आए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। काफ़ी मेहनत, काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी पैसा खर्च करके इस खैरे उम्मत कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया गया है, और आप भी दूर दराज से आए हुए हैं, वक्त की कुर्बानी दे करके, पैसे की कुर्बानी दे करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये एक बड़ा सवाल है। हम लोग सिर्फ देखने आए हैं कि यहाँ पर मौलाना जरजीत साहब इटावी आने वाले हैं, उनको करीब से चल करके देख लें। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी हफ़ीज़ुल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं, उनका दीदार हो जाएगा। अगर इस तरह की कोई नियत या नियत में फतूर हमारे हो तो हम लोग पहले अपनी नियतों की इस्लाह कर लें। अगर सिर्फ़ उलमाए किराम के दीदार से कोई फैज़ पहुँचता, उलमाए किराम को देख लेने से इंसान की बख्शिश हो जाती, तो रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब भी देखता था, अबू जहल भी देखता था, उन्हीं के गोद में आप परवान चढ़े थे, लेकिन आपका दीदार उनके लिए कोई बाइस खैर उन लोगों के लिए नहीं बन सका। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी अपनी नियतों की इस्लाह। अगर हमारी नियत में ये है कि ये उलमाए किराम मौला जरजीत साहब अंसारी इटावी, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब हफ़ीज़ुल्लाह, मौला गुफरान साहब रहमानी, और अभी आपने तकरीर सुनी शेख ज़फ़र नौमान मक्की हफ़ीज़ुल्लाह की, इन तकरीरों को हमारी अमली ज़िंदगी में अगर कोई जगह मिल जाए, ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए, यहाँ से जाने के बाद कल की सुबह एक नई सुबह हमारे लिए हो, तब असल फ़ायदा आपकी हाज़िरी का है और हमारे आने का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकमीन ने अपने मोमिन बंदों की पहचान बताई, इन्नमा युमनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून। हमारी आयतों पर वो लोग ईमान रखते हैं जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को पढ़ करके, कुरान पढ़ करके उनको नसीहत की जाती है, ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन, तो उन आयतों का, उन नसीहतों का, उन तकरीरों का उनके ऊपर इतना असर होता है कि वो लोग सजदे में गिर जाते हैं, अल्लाह के मोमिन बंदे, और सजदे में गिरते हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, मुसब्बहु बिहम्द रब्बिहिम, अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं, सुभानअल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, वहुम ला यस्तकबिरून, और उनके अंदर किब्र व गुरूर नहीं होता। अगर उनके अंदर कुछ किब्र का, गुरूर का मादा अगर है भी, तो जब उनको नसीहत की जाती है, जब वो तकरीर सुनते हैं, अल्लाह की आयतों को सुनते हैं, तो ये बीमारी उनमें से ख़त्म हो जाती है। तो इस पहलू से हम लोगों को गौर करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत उनवान रखा है खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस, अभी आप सुन रहे थे। इस उम्मत को खैर उम्मत क्यों कहा जाता है? अल्लाह के फजल से आप भी इस उम्मत के एक फ़र्द हैं,
आप भी खैर उम्मत की तरफ मंसूब हैं, आपको ख़ास तरीके से गौर करना पड़ेगा कि खैर उम्मत क्यों कहा गया और हम लोग इसके अहल हैं कि नहीं हैं। वो जो निशानी बयान की गई है, जो पहचान बयान की गई है, जो शियार बताया गया है, वो शियार हमारे पास है कि नहीं। मैंने जो आयत पढ़ी सूरह आले इमरान की, अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हकमीन ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरियत लिन्नास, तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो। इसमें मुराद मुखातब आप ही लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हकमीन ने आप लोगों को मुखातब करके फरमाया कुंतुम खैर उम्मत उखरियत लिन्नास, आप लोगों को दूसरे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाला है, पैदा फरमाया है। क्या काम आपका है? तअमरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, ये तीन चीजें। आपका काम ये है कि आप अच्छी बातों की तालीम कीजिए, भली बातों की तालीम कीजिए, और जो बातें बुरी हैं, मासियत की हैं, गुनाह की चीज़ें हैं, उससे लोगों को रोकिए, बुराई से लोगों को रोकिए। ये दो खूबी हुई, इसको आप देखिए, ठटोलिए अपने अंदर। आप जब सुबह आँख खोलते हैं और सुबह से शाम तक आप कितनी अच्छाइयों की तालीम कर रहे हैं और कितनी बुराइयों को देख करके उस पर रोक टोक करते हैं, ये आप अपना जायज़ा लीजिए। वतुमिनून बिल्लाह, और इसके साथ साथ आपका ईमान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर होना चाहिए, मजबूत ईमान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को तो अच्छी बात बताएं, दूसरों को बुराई से रोकें, लेकिन आप खुद उस तरह की बुराइयों में मुलव्वस हों। इससे आपको बचा कर रखना होगा। जब आप अल्लाह पर आपका ईमान होगा, आपको अल्लाह से मुलाकात पर यकीन होगा, तो आप सबसे पहले उन भलाइयों में अपने आप को ढालेंगे, उन बुराइयों से अपने आप को रोकेंगे जिससे लोगों को रोक रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये तीन खूबी है खैर उम्मत की। इस उम्मत को जो सबसे अच्छी उम्मत कहा गया है, उसकी ये खूबी ये है कि ये उम्मत भलाई की तालीम करती है, बुराई से रोकती है और अपने ईमान का जायज़ा लेती रहती है। अब आप देखिए, वरना खाली हम टाइटल रखें खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस करा लें, दसियों कॉन्फ्रेंस करा लें, लेकिन इस तरह की चीज़ें हम अपना जायज़ा लें हमारे अंदर नहीं पाई जाती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। जब तक हमारे अंदर हमारी अपनी इस्लाह न हो, मुआशरे और समाज के अंदर, देखिए ये अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ये एक ऐसी इंसानी ज़रूरत है, मुआशरे की ज़रूरत है, कि इसके बग़ैर मुआशरा सही तरीके से मुआशरा और समाज बन ही नहीं सकता है। ये इंसानी ज़रूरत है, बल्कि मैं कहूँ कि अगर इंसान अकेले भी है तो भी इस ज़रूरत को महसूस करता है। आप अकेले हैं तो भी आप अपने आप को हुक्म देते हैं कि इस काम को करना है, इस काम को नहीं करना है। आपके सामने 10 तरह के खाने रख दिए जाएं तो आप अपने आप को हुक्म देते हैं कि देखो ये खाना है, ये नहीं खाना है। इसी का नाम है जो है अम्र और नहीं, हुक्म देना और रोकना। और जब इंसान दूसरे लोगों के साथ रहता है, मुआशरे में रहता है, समाज में रहता है, तो तीन तरह के मौके या तीन तरह की पोजीशन होती है, अम्र की और नहीं की। इस पर गौर कीजिएगा आप लोग। एक तो ये है जो मुसलमानों का शियार बताया गया, वल्मुमिनून वल्मुमिनात बाज़ुहुम औलिया उबाज़ यामुरून बिल मारूफ यनहून अनिल मुनकर। मुसलमान एक दूसरे के आपस में दोस्त होते हैं, एक दूसरे के बहीख़्वाह होते हैं। मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, हमारी माएँ और बहनें मेरी बात सुन रही हूँ अगर, तो ये भी यहाँ पर रब्बुल आलमीन ने ख़ास तरीके से कहा वल्मुमिनून वल्मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन और औरतें, बाज़ुहुम औलिया उबाज़, आपस में एक दूसरे के ये हमदर्द होते हैं, दोस्त होते हैं, गमखार होते हैं। हम लोग एक दूसरे के कितने दोस्त हैं,
इसका जायज़ा ले लें हम लोग। कोई आदमी तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में तरह तरह से तबसरा करते हैं। हमारी माएँ और बहनें एक दूसरे की कितनी गमखार हैं और कितनी हमदर्द हैं, वो अपना जायज़ा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतुल हाकिमीन ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों का कि ये पहचान बताई, बाज़ुहुम औलिया उबाज़, ये मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें आपस में एक दूसरे के हमदर्द होते हैं, दोस्त होते हैं, खैरख्वाह होते हैं। इनका काम क्या है? यअमुरून बिलमारूफ वयनहून अनिल मुनकर, ये लोग भली बातों की तालीम करते हैं और बुराई से रोकते हैं। ये कौन करते हैं? मोमिन लोग करते हैं। लेकिन जो लोग भली बात की तालीम न करें, बुरे बात से न रोकें बल्कि बुराई को फैलाएं, भलाई से लोगों को रोकें, ये कौन लोग होते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतुल हाकिमीन इसी सूरह तौबा के अंदर जहाँ ये बयान किया है वहीं पर इसको भी बयान किया। कहा वल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बअज़ुहुम मिन बअज़ यअमुरून बिल मुनकर, ये जो हैं मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, ये भी एक दूसरे के आपस में दोस्त होते हैं। मुनाफिकीन मुआशरे और समाज का वो तबका जिनको मुनाफिक कहा जाता है, मुसलमान तो एक दूसरे को अच्छी बात बताते हैं इसलिए वो खैरख्वाह है, वो जानता है कि अच्छाई ये है तो हमारा भाई भी गुमराही में ना रहे, वो भी अच्छाई में पर आ जाए। लेकिन मुनाफिक मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों का मामला ये है कि ये यअमुरून बिल मुनकर, बुरी बातों की तालीम करते हैं, वयनहून अनिल मारूफ, और भले बातों से ये लोग रोकते हैं। अच्छा, मारूफ और मुनकर है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। हम लोग बड़ी तकरीर करते हैं मारूफ अमर बिल मारूफ और नहिल मुनकर, अमर बिल मारूफ नहिल मुनकर। मारूफ वो है हर वो काम, इस्मुन जामिउन लिकुल्ल मा युहिब्बुहु अल्लाह व यरदा मिन इबादतिल्लाह वल इहसान इलन्नास। मारूफ एक जामे लफ्ज है, हर वो चीज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी और इंसानों की भलाई के लिए किया जाए उसको मारूफ कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी और इंसान की भलाई के लिए जो काम किया जाए वो मारूफ है, और इसी के बिलमुकाबिल मुनकर है, मासियत है, गुनाह है। मुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत और नाफरमानी, और इंसानों के भलाई के लिए काम ना किया जाए बल्कि उस पर जुल्म किया जाए, उसके हुकूक को गसब कर लिया जाए, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये मुनकर हैं। यानी इस्लामी शरीयत में जिस चीज़ को अच्छा कहा जाए वो मारूफ, और इस्लामी शरीयत दीनी नुक्ते निगाह से जो चीज़ बुराई है वो मुनकर है। ये नहीं कि हम जिसको अच्छा समझ लें और जिसको बुरा समझ लें, अपने मन की बात नहीं है कि जो हमें अच्छा लगे वो करें और जो बुरा लगे उससे बाज आ जाए। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, उलमाए किराम की तकारीर हमें सुननी है, मैं चंद मिनट और आपसे कुछ बुनियादी बात कर लेना चाहता हूँ। तो ये दो तबका हुआ, एक तो मुसलमानों का तबका, मोमिन मर्द और मोमिन औरतों का तबका कि जिसको वो बुराई देखता है उससे रोकता है और जो अच्छाई समझता है उसकी तालीम करता है, और एक टोला हुआ मुनाफिकीन का। मुनाफिक वो भलाई से रोकते हैं और बुराई को की नशर इशात करते हैं, बुराई को फैलाते हैं। अब आप देखिए कि बुराई कहाँ कहाँ से फैल रही है, उसमें हमारा कितना हिस्सा है। बहुत दूर मत जाइए, आपके हाथ में मोबाइल है और बैठ करके नौजवानों के साथ जब हम बैठते हैं एक घंटा आधा आधा घंटा और किस तरह से बुराई को फ़रोग देते हैं, वक्त को बर्बाद करते हैं, तो आप कौन से टोले में जा रहे हैं ये आप अंदाज़ा फैसला कर लीजिए। आप मुसलमानों के टोले में हैं या मुनाफिकीन के टोले में? एक तीसरी पोजीशन ये होती है कि कुछ अच्छाई की तालीम की जाए और कुछ बुराई से रोका जाए, कुछ अच्छाई की तालीम की जाए, और ये नहीं कि जो अच्छाई है सबको फरोग दिया जाए, या बुराई हम देख रहे हैं बस बुराई से हमने रोक दिया और बस बुराई से आंख बंद कर ली।
इसलिए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी उसी इज्जत में आते हैं, इसलिए आंख बंद कर लो इससे। ये चीज ये मुसलमानों का शियार नहीं। मुसलमान जो भलाई देखता है उसको फरोग देता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसकी तालीम करता है, और जो बुराई देखता है, अभी मौला कह रहे थे ना, मन राम इनको मुनकर फले गैर बे, कोई मुनकर देखता है, कोई गुनाह देखता है, कोई बुराई देखता है तो उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बास बुराई हम देखें आंख बंद कर लें, तो ये खसलत यहूदियों की थी। अफतुमिनून बेबादिल किताब व तकफुरून बेबाज, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाज पैगामात को तो तुम अपना लेते हो, बाज अहकामात पर अमल करते हो, बाज को ठुकरा देते हो। ये खसलत जो है यहूदियों की है। मैंने आपके सामने तीन पोजीशन रखी है, एक मुसलमानों की पोजीशन, एक मुनाफिकीन की पोजीशन, और एक यहूदियों की अहले किताब की पोजीशन मैंने आपके सामने रखी है। आइए एक चीज़ और आपको बताऊँ, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, इस काम को अंजाम देने के वसाइल हमारे पास कितने हैं। एक बड़ा वसीला ये जुबान का वसीला है, ये उलमाए किराम आपके सामने तकरीर करते हैं, चाहे कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हो, इजलास की शक्ल में हो, जुमा के खुतबे की शक्ल में हो, मस्जिद में दर्स दिया जाए, ये तमाम चीज़ें। एक चीज़ और है कि ये किताब कुरान मजीद की तफसीर आपके सामने है किताबी शक्ल में, आप दीन की बातों को फैलाएं, फरोग दें, कुरान के तर्जुमे हैं, पम्फलेट हैं छोटे छोटे, उसको छापा जाए, उसको उसकी नशर इशाअत की जाए, कैसेट्स वगैरह हैं, मेमोरी है, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ों को रिकॉर्ड करके आप उसकी नशर इशाअत कीजिए, मोबाइल है, आप मैसेज डालिए, उसमें दीन की बातों को फैलाइए, और फिर आज के ज़माने में मल्टीमीडिया मोबाइल है, ये तमाम चीज़ें जो हैं अम्र बिल मारूफ और नहय अनिल मुनकर के वसाइल हैं। इन वसाइल को बरोए कार लाना चाहिए। अगर आप इन वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर इनका इस्तेमाल गलत होगा। अम्र बिल मारूफ और नहय अनिल मुनकर के कुछ आदाब हैं, मैं यही बातें अर्ज करके मैं बात खत्म करूंगा। कुछ आदाब इसके हैं। पहला अदब इसका ये है कि आप जिस चीज़ की तालीम कर रहे हैं आपको 100% यकीन होना चाहिए कि ये बात दुरुस्त है, यानी इल्मी तौर पर आप मजबूत हों। ऐसा नहीं कि आप हम कहें साहब ये चीज़ हराम है, वो हराम ना हो, ये चीज़ जायज़ है, वो चीज़ जायज़ ना हो। पहले हमें सही तरीके से पता होना चाहिए कि हम जिसको कह रहे हैं कि ये मारूफ है वो मारूफ है कि नहीं है, या ये मुनकर है ये गुनाह है तो गुनाह है कि नहीं है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल हाज़ा ये सबीर यदउ इलल्लाह अला बसीरा, जब आप अल्लाह के दीन की दावत दीजिए तो बसीरत के साथ दावत होनी चाहिए। मैं एक वाक़या बताऊँ आपको, हमारे नौजवानों के अंदर बड़ा हौसला होता है, उमंग होती है, यकीनन होनी चाहिए, यह हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपका राबता उलमाए किराम के साथ होना चाहिए। आप जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं उसको बयान करने से पहले उलमाए किराम से रुजू कीजिए। आप, मैं एक किताब पढ़ रहा था इधर चंद दिन पेशतर, डॉक्टर सलमान अल-औदा की किताब है, बहुत मशहूर किताब, हत्ता ला तग़रिक अस-सफ़ीना, कहीं कश्ती डूब न जाए। तो उसमें उन्होंने अपना एक वाकया लिखा है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा आप लोग, इस तरह के वाकयात हमारे साथ भी होते रहते हैं, आपके साथ भी होते रहते हैं। कहा मैं एक रोज़ फजर की पढ़ने गया, नमाज पढ़ने, बड़े आलिम हैं सऊदी अरब के, बड़े आलिम, बड़े खतीब मशहूर। कहा मैं एक रोज़ फजर की नमाज पढ़ने के लिए गया और नफिल सुन्नत पढ़ करके बैठा रहा, अभी नमाज में वक्त था, उसके बाद मैं कुरान शरीफ लेकर पढ़ने लगा। तो इतने में जब कुरान शरीफ मैं पढ़ करके रखा, आदमी बैठता है ना, बैठा है मस्जिद में तिलावत करे, वो कहा मैं सुन्नत पढ़ करके तिलावत करने लगा कुरान ले करके। तो हमारे बगल में एक आमी आदमी था, कहा देखिए आपने गलत काम किया। गलत काम किया क्या हो?
कहा देखिए तरीका ये है कि आप जब नमाज पढ़ चुके नफिल नमाज या सुन्नत नमाज पढ़ चुके आप तो अपने दाएं वालों को कहिए अस्सलाम वालेकुम, बाएं वालों को अस्सलाम वालेकुम कहिए और इन लोगों को सलाम करने के बाद फिर आप हाथ उठाकर दुआ कीजिए जब तक कि जमात खड़ी नहीं हो जाती है। आपने गलत काम किया ये। कहा अच्छा, शेख ने कहा कि अब मैं उससे क्या कहूँ। मैंने कहा आपके पास कोई दलील इसकी है क्या कि नमाज पढ़ने के बाद फिर हम सलाम करें दाएं बाएं लोगों को फिर हाथ उठा करके दुआ करें। कहा नहीं, हमारे पास कोई दलील तो नहीं है। कहा ये कि कोई दलील है कि नहीं हम दुआ मांगे हाथ उठा करके। कहा नहीं, हमको तो नहीं पता है दलील। कहा एक आम ही आदमी है, हालांकि उसके अंदर जज्बा है, वो चाहता है, वो उसी को दीन समझता है, उसी को भलाई समझता है, उसी को मारूफ समझता है। तो कहा कि देखिए इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ये अवाम जो हैं, ये नौजवान बेचारे ये उलमा से जुड़े रहे। मैंने उसको समझाया बताया कि देखो तुम्हें पता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि तो दाएं बाएं लोगों को सलाम किया जाए, उसके अलग औकात हुआ करते हैं। समझाया उसको तो उसने इतराफ़ कर लिया। लेकिन वजह यह है कि सिर्फ ये जज्बा, ये जोश, ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि इल्मी गहराई होनी चाहिए। अगर आपके पास इल्मी गहराई नहीं है तो आप उलमा इकराम से जुड़े रहिए। आपके मौलाना अब्दुल्गफ़ार, ये अब्दुल्गफ़ार साहब हैं, शेख गफरान साहब हैं, ये लोहताब के अंदर हैं, आप इनसे जुड़िए, इनसे मसाइल को मालूम कीजिए। ये ज़रूरी फ़सलु हल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछा करो। और एक चीज़ मैं बताऊँ, और देखिए अम्र बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर के आदाब में से ये भी है कि आदमी सब्र और ज़ब्त से काम ले, तहम्मुल चाहिए आदमी। अब अगर हमारे जैसा कोई तालिब इल्म होता तो बिगड़ जाता उस आदमी पर। अरे हमको, हम इतने बड़े आलिम हैं, सलमान वदा साहब बहुत बड़े आलिम हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं वो, लेकिन बड़े सुकून से उसकी बात को सुना उन्होंने, उसको समझाया। तो इस काम में बहुत तहम्मुल चाहिए। इसीलिए हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा या बुनैया अक़िमिस्सलाह व अमुर बिल मारूफ व नहि अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन ज़ालिका मिन अज़्म अल उमूर। बेटे लुक़मान सलाम को जो है ने अपने बेटे से क्या कहा, अरे मेरे बेटे नमाज कायम करो, नमाज पढ़ा करो पाबंदी से। आप भी अपने बच्चों को तंबीह कीजिए नमाज के बारे में। और क्या कहा, वामुर बिल मारूफ व नहि अनिल मुनकर भली बात की तालीम किया करो और बुराई से रोका करो, वही खैर उम्मत वाली बात। अम्र बिल मारूफ व नहि अनिल मुनकर वाला काम अंजाम दो। वस्बिर अला मा असाबक और इस राह में जो परेशानी लाहिक हो उन परेशानियों को झेला करो, सब्र किया करो। ये दावत और तबलीग का काम ये उलमाए कराम बेचारे, पूछिए शेख अब्दुल्गफ़ार साहब से दूर दराज जाते हैं, कैसे कैसे मसाइल से दो चार होते हैं, कैसे कैसे हादसात से दो चार होते हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे हम सबको, है ना। ये बड़ा बहुत मुश्किल काम है, ये फूलों की सेज नहीं है, फूलों पर नहीं चलना होता है इन उलमाए कराम को, जो मुखलिस उलमाए कराम है, उलमाए रब्बानीन है, है ना। तो कहा कि वस्बिर अला मा असाबक, इस राह में दुश्वारी भी आएगी। अभी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस, कितनी मुशक्क़त से आपने इस प्रोग्राम को अंजाम दिया है, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। ये शेख गफरान साहब से पूछिए कितना झेलना पड़ेगा इनको, और कितना सुने होंगे और कितना सुनना पड़ेगा। लेकिन वस्बिर अला मा असाबक, शेख हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जो नसीहत की अपने बेटे को, मैं वही नसीहत इन लोगों को भी करूँगा कि वस्बिर अला मा असाबक, इस राह में जो दुश्वारी लाहिक हो उसमें सब्र करो, तहम्मुल करो। इन ज़ालिका मिन अज़्म अल उमूर, ये काम हर कोई नहीं अंजाम देता। जो हौसला मंद लोग होते हैं, जिनके बहुत बड़ा जिगर होता है, बड़ा दिल गुर्दा वाले जो लोग हैं, वही लोग इस तरह की मुसीबतों को झेलते हैं और झेलने के बाद भी इस काम को अंजाम देते हैं। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। ऐ अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमारे कामों में इखलास पैदा करे। बारे इलाहा हम में जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए जायज़ हलाल रोज़गार फराहम कर दे, जो लोग मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी की सबील बना दे। बारे इलाहा हम तमाम लोगों को नेक और एक कर दे, आमीन। अक़ूल क़ौली हाज़ा वअस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फ़स्तग़फिरूह इन्नहु वल गफूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
जज़ाकल्लाहु खैरन। ये थे फजीलत शेख मोहम्मद जुनैद मक्की हफिज़हुल्लाह, जो अपनी सदारती खिताब पेश फरमा रहे थे। हजरात, इससे पहले कि इस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, इस दरमियान एक एजाजी प्रोग्राम यानी सम्मान समारोह रखा गया है। हजरात, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस तरह के प्रोग्राम को हम अकेले तो अंजाम नहीं पहुंचा सकते। इस प्रोग्राम के इनेकाद में जहां अहबाब जमीयत बिलखसूस शेख मोहम्मद गुफरान रहमानिया उनके साथियों ने अपने अपने तौर से मेहनत और तआवुन किया, वहीं इस बात का इतराफ़ ना करना बेईमानी और बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि इस मजलिस को पुरअमन तौर पर सजाने में लुख्ता पुलिस का भी बहुत अहम रोल रहा है। लिहाजा इस मौके पर हम जनाब राजीव कुमार सिंह थाना अध्यक्ष लुहता पुलिस वाराणसी को सम्मानित करना चाहते हैं, लेकिन सर किसी मसरूफियत की वजह से ना आ सके। तो इसी तरह दूसरा एजाज हम पेश करेंगे जनाब सुलेमान अख्तर साहब को, जिनकी कोशिशों से हुकूमती तौर पर हमें ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने की इजाज़त मिल सकी। अब मैं शेख गुफरान रहमानी साहब को से गुजारिश करूंगा कि वो आप आएँ और शेख सुलेमान साहब को एजाजी अवार्ड से सम्मानित करें। हज़रात,